तू तो सबसे होशियार है ना, तो तुझे कहाँ समझ में आएगा। ए, अरे छोड़ना छोड़ना, क्यों बेकार में लड़ रहा है। ए जल्दी आओ। हाँ चलो। अरे जल्दी आओ ना, खेले चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ए बाबू रुक, जा कहाँ रहा है। एक क्लास में तूने लड़ाई की थी, यही तो मैंने टीचर से कहा था ना, और उसी के लिए तुझे मारा। उसके लिए तू मुझे घूर के क्यों देख रहा था रे? ये घूरना वूरना अगर मेरे साथ किया ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगा, इसलिए कोशिश मत करना। ए मगनलाल, क्या है? तुझे उस बाबू को वही सबक सिखाना चाहिए था। अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या है, स्कूल में तो तू मुझे देख के कांप रहा था और अब फिर से मुझे घूर रहा है, क्या है? वो स्कूल था, वहाँ लड़ना ठीक नहीं, यहाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा? तूने ज्यादा कुछ कहा तो घुमा घुमा के मारूंगा। घुमाएगा तू या मैं तुझे घुमाने वाला हूँ, अभी समझ में आएगा। अब अगर मेरे से भिड़ा तो इतनी मार मारूंगा तू जिंदगी में लड़ना भूल जाएगा। चलो। हे बाबू, तुझे देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है यार। क्यों, क्या हुआ? वो मगनलाल तेरे से कितना बड़ा है फिर भी उसे पटक पटक के मारा। हे, मैं कौन हूँ जानता है ना, मैं राजा ठाकुर का पोता हूँ। मेरे दादा का अगर कोई नाम भी सुन ले ना तो डर के मारे पूरे कांपने लग जाते हैं। ये बात है, दादा जब गांव में चलकर आते थे ना तो रास्ते में सब लोग अपने हाथ जोड़कर डरते हुए उन्हें प्रणाम किया करते थे। अच्छा, और नहीं तो क्या, मेरे दादा बहुत लंबे थे, उनका कद और उनकी मूछें देखकर लोग अपने अपने घर में घुस जाते थे। यहाँ के बड़े मंदिर में जो पुजारी है ना उसके जैसे बहुत खतरनाक लगते थे। सच कह रहा है? हाँ सच कह रहा हूँ, जब बलि चढ़ाते थे ना तब चाहे कितने ही बकरे हो उनकी गर्दन में अपने दांत गाड़ कर वो खून पी जाते थे। ये तो सुनने में ही बहुत डर लगता है। मैं ऐसे दादा का पोता हूँ तो मुझे कौन हरा पाएगा। हे, तेरे जैसा दोस्त हमारे साथ में रहता है ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है। हे बाबू, कल तूने कहा था चुरूट लेकर आएगा। लेकर आया हूँ, किसी को पता न चले। वैसे पिताजी की जेब में से 2 चुरूट और 50 रुपए भी निकाल कर लाया हूँ। सुबह सुबह दुकान जाकर सिंह के दाने और मिर्चे सब लेकर आया हूँ। लेकिन एक और बात, साथ में बीड़ी का बंडल भी लाया हूँ। बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बीड़ी पीकर और चुरूट भी पीकर जो मिक्सचर लाया हूँ उसे दबा कर खाएंगे। ए, तू किताब के बारे में कह रहा था ना कि वो बहुत अच्छी किताब है, कल लाने के लिए कहा था, लेकर आया है? हाँ लाया हूँ ना, लेकिन अकेले में बैठ के पढ़ना, बड़ के पेड़ के नीचे दूंगा। अच्छा तो ठीक है, जल्दी चलो। अरे चलो ना। इस छोटी उम्र में चुरूट सिगरेट बीड़ी पीना चाहते हो? मैं पिलाऊंगा, जी भर के मैं पिलाऊंगा। ए, ए, मुझे भी दे, मुझे भी दे दो। अच्छा, ये भी अच्छा है। कैसा है?
बहुत अच्छा है। ए, 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 मुझे, 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 ए, मुझे, ए, मुझे, ए, मुझे, मुझे, मुझे भी दे। मजा आया ना? ए, वो किताब निकालना। ए, ये जो किताब है ना, घर में ले जाकर नहीं पढ़ सकते, इसे यहीं पढ़कर यहीं कहीं छुपा देना, कल आके ले लेंगे। हमें यहाँ से अभी 4 मील जाना है, इसलिए हम लोग चलते हैं। ए, चुरुट और बीड़ी बिना पिए जा रहे हो? हम लोग रास्ते में पीते हुए जाएंगे। तो ठीक है, ले लो ले लो ले लो। तू अकेले ले रहा है? अरे मेरे पास बीड़ी नहीं है, मुझे दो ना। एक बीड़ी दो। अच्छा बाबू, चलते हैं। चल कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे। ये क्या इतना गंदा गंदा लिखा हुआ है? ये तो पढ़ने में भी शर्म आती है। लंबाई में 3 फुट का भी नहीं है, और तुझे चाहिए चुरुट, सिगरेट, बीड़ी, सेक्सी किताबें। राजा ठाकुर के पोते, तू तो गया काम से, गया काम से, गया काम से, गया काम से। तू अपने दोस्तों के साथ जब बात कर रहा था ना, तब मैं कपड़े धोते हुए साथ सुन रहा था, और रास्ते में ही वो सुरूट, सिगरेट, बीड़ी पीते हुए जा रहे थे, मैंने देखा। अरे वो तो भिखारियों की औलाद है, उनके पास से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू राइस मिल ओनर नीरज ठाकुर का बेटा है, पैसे वाला है, तेरे पास से चाहे कितना भी मांग सकते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? तू मुझे रोजाना 100 रुपए देना, बस वही 100 रुपए। हाँ भैया, नहीं तो ये बात मैं तेरे बाप को जाके बता दूंगा। उसके बाद क्या होगा पता है? वो तुझे इतनी बुरी तरह मारेंगे कि तेरे शरीर पर उनकी बेल्ट के इतने निशान होंगे कि चमड़ी नजर नहीं आएगी। दर्द कैसा होगा पता है ना? इतना दर्द होगा कि कोई दवाई भी काम नहीं करिए। रोजाना 100 रुपए में कहाँ से लेकर आऊंगा? ये क्या तू ऐसे बोल रहा है? आज तू अपने बाप की जेब में से 50 रुपये और 2 चिरुट चुरा कर लेकर आया है ना, वैसे ही लेकर आ जाना। अगर जेब में पैसे ना हो तो पैसे अलमारी में रखे होंगे, या किसी तिजोरी में रखे होंगे, या तकिए के नीचे छुपा कर रखे होंगे, उस पे ध्यान देना। और रात को जब सब सो जाएं तो चुरा लेना। अगर किसी ने देख लिया तो? म्याऊं 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 म्याऊं, ऐसे बिल्ली की आवाज निकाल कर सबको समझा देना। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, जा जा। रुक। क्या है? कल मैं गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ मिलूंगा, स्कूल जाते समय किसी को पता ना चले वैसे मुझे देके चले जाना। हाँ ठीक है, अब जा। मेहनत किए बिना, पसीना बहाए बिना, किसी की नौकरी किए बिना रोजाना 100 रुपए मुझे मिलने वाले। ए काली सिंह, अब से तू काली सिंह नहीं रहा, तू तो बीरबल बन गया है। ये क्या भूख इतनी तेज लग रही है? अरे बाबू दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पास से 100 रुपए लेकर होटल में जाकर मैंने सोचा सुबह सुबह पेट भर के जबरदस्त नाश्ता करूंगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। फल बेचने वाला आ रहा है, उसी के पास से थोड़े फल लेके खा लेता हूँ। ए फल वाले, इधर आना। क्या है? अरे आना भैया, जरा टोकरी तो उतार। किस लिए? गोल गोल नारंगी और मौसम्बी को
गेंद बनाकर हम दोनों आपस में खेलेंगे इसलिए। अरे फल चाहिए इसलिए रखने के लिए कह रहा हूं। पहले से उधार लेके तूने खाए थे उसके 10 रुपए बाकी है, पहले वो पैसे निकाल के दे। ओए, अरे 10 रुपए क्या चीज है यार, अगर 20 रुपए भी होते तो मैं अभी चुका देता। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो खाने वाला हूँ उनका भी मिला के दे देता। ओए, अब मैं पहले वाला काली सिंह नहीं हूँ, बीरबल सिंह हूँ। लगता है जरूर इसने किसी के पास से पैसे मारे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अरे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं भैया, तुम्हें जितने फल खाने उतने खा लो। तो फिर उतार ना। ला 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 ला। एप्पल, नारंगी, मौसमी और अंगूर भी, मजा आ जाएगा। अच्छा ये कहाँ का एप्पल है? कश्मीर का एप्पल है। झूठ मत बोल, खाने में नमकीन है, ऐसा लग रहा है समुद्र के किनारे का हो। अच्छा जितनी दूर तक नमकीन लगे उतना पैसा कम दे देना। ये हुई ना बात। केले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खाइए। पुराना उधार मिला के कुल मिला के 30 रुपए हुए। अरे बस 30 रुपए ही हुए, अभी आता हूँ। भैया पैसे तो देके जाओ। अरे सारे के सारे पैसे चुका दूंगा, रुकना आता हूँ। अरे यार मेरे खजाने की चाबी। बाबू बाबू मैं तेरा इंतजार कर रहा था, जल्दी जल्दी से पैसा निकालना, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले। तू ऐसे क्यों देख रहा है? Hey, जल्दी पैसे निकालना। तो ऐसे तुम घूर के देख रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बुखार आ जाए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी से पैसे दे दे, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर आप मुझसे पैसे मांगे तो चलने के लिए ना पाँव होंगे और ना खाने के लिए मुंह रहेगा। ये क्या, ऐसे क्यों बोल के जा रहा है? आंखें भी बदल गई, आवाज भी बदल गई, कहीं इसका दिमाग तो नहीं सनक गया? अब मैं फल वाले को क्या जवाब दूंगा रे बाप रे? राइस मिल के मालिक के बेटे के साथ तुमने ऐसी कौन सी बात की जो ऐसे चिल्ला के जा रहा है? अरे कोई खास बात नहीं, उनके स्कूल में कोई ड्रामा होने वाला है, उसके डायलॉग मुझसे लिखवाना चाहता है। कहानी तो मैंने लिख दी है। अच्छा? उस कहानी में कैसे डायलॉग बोलने हैं मैंने बताया था, उसी की एक्टिंग करके गया। अच्छा तो ये बात है। हाँ भैया, तुम्हें कितने पैसे देने? मुझे 30 रुपए देने। अरे रे 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 रे। अरे क्या हुआ? कुर्ते की जेब में 100 रुपए थे, लगता है कहीं पे गिर गए। तू यहीं रुक, मैं ढूंढ कर लाके देता हूँ। अपना ये डायलॉग किसी और के सामने मारना, चुपचाप मेरे पैसे देके जा। हाथ हटा। अरे हाथ हटा ना, एक कॉलर पकड़ने की हरकत मेरे साथ मत करना। वो 100 रुपए जहाँ गिरे ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, नुकसान तेरा होगा। धोखा किसको देना चाहता है? उल्लू के पट्टे, सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हुई, तूने सारे के सारे फल खा लिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज अपने पैसे लेकर ही रहूंगा, आज अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। आज तो मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूंगा। अरे भैया छोड़ दे मत मार मुझे। नमस्ते मालिक। हाँ, नमस्ते। नमस्ते मालिक। फैलाओ नहीं, इसे अंदर कर दो। ए, जी मालिक, चलने की जगह पे भी धान फैला के रखा है, अंदर खिसकाओ। जी अच्छा।
भैया काली सिंह, ये क्या बना रखा है, रो क्यों रहा है? भैया, बड़े ठाकुर का नाम और उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिलने वाली है भैया। ये तो क्या बोल रहा है भैया? आपका बेटा बाबू बुरी आदतों में पड़ गया। हाँ भैया, कल शाम को स्कूल छूटने के बाद बाबू और उसके साथ में पढ़ने वाले मिलकर छुप छुप के जाके बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। मुझे शक हुआ तो मैंने उनके पीछे जाकर चोरी छुप के देखा। वो लोग क्या कर रहे थे पता है? चिरूट और बीड़ियां जलाकर आपस में बदल बदल कर पी रहे थे। लेकिन एक और जरूरी बात है, उस बारे में सोचता हूँ तो रो रो कर मेरी आंखों से आंसुओं का फवारा निकलने लगता है। क्या इस उम्र में आपका बेटा सेक्सी किताब पढ़ता है? अरे ये तो क्या बोल रहा है? ये बात गांव वाले जानेंगे तो ठाकुर साहब का पोता ऐसा हो गया है, बोलना शुरू कर देंगे। सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, दिल फटने जैसा लगता है। इसलिए मैंने जाकर बाबू के तड़ाक से चांटा मार दिया। इसलिए आज उसने अपने स्कूल के दोस्तों को साथ में लाकर मुझे इतनी बुरी तरह से मारा, कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी और मेरा कुर्ता और लुंगी भी फाड़ डाली। भैया कुर्ता और लुंगी तो 100 रुपए की है, उसकी चिंता नहीं है, बस आपका बेटा सुधर जाए उसका ख्याल रखिए भैया। ये पकड़ 100 रुपए, जाके नए कपड़े ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और हाँ, ये बात तू किसी से भी मत बोलना, मेरी इज्जत चली जाएगी। ये मैं किसी से नहीं कहूंगा भैया। अब क्या है? तेल की मालिश करके मलम लगाकर साथ में मांसाहारी खाना खाकर एक हफ्ता कोई भी काम किए बिना सिकाई करूंगा तो ही ठीक हो पाऊंगा। उसके लिए अगर 100 रुपए। ठीक है ये ले। ये बता, तुझे इस हालत में आते हुए रास्ते में किसी ने पूछा तो होगा ना, तूने क्या कहा? पूछा तो था, तो मैंने कहा शहद निकालने गया था। जब मक्खियाँ काटने लगी तो मक्खियों के साथ जो मेरी लड़ाई हुई तो ये कपड़े झाड़ियों में भागते हुए फट गए। अच्छा चलता हूँ भैया। उसे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, रुक जा, रुक, कहाँ भागता है? करेगा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए तोड़ डालूंगा। देख कैसे घूर रहा है मुझे, देख ये मुझे आगे दिखा रहा है, क्यों रहे? खाएगा मुझे, जान से मार डालूंगा। हमारा नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है। इस उम्र में तेरी इतनी हिम्मत है? दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट पीता है, अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा है? पूरे गांव में नाम खराब कर रहा है। तुझे औलाद पालना नहीं आता, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बड़ा होकर डाकू बनेगा और हमारे ही सीने पर मूंग दलेगा। घूरता है मुझे, घूरता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मत मारिए। आज मैं इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तुझे तो ये अब क्या कर रहे हैं? मत कीजिए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, मत मारिए पिताजी, चुप हो जाओ, मत मारिए। अगर किसी ने आवाज निकाली तो मैं तुम सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्यों बे, घूरता क्या है, है? आज तुझे इतना मारूंगा उससे या तो तू आज सुधर जाएगा या नहीं तो मर जाएगा। मुझे घूर के क्या देख रहा है? पिताजी खून की उल्टी, वो बाबू को खून की उल्टी हो रही है। बाबू को क्या हो रही है? बाबू, 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 आपने तो मारा, उसे खून की उल्टी होने लग गई। बाबू, 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 चलो चलो जल्दी चलो, कुछ नहीं होगा इसे। बाबू बेटे, बाबू कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो।
देखिए ठाकुर साहब, आपने अपने बच्चे को पीटा इसीलिए उसे खून की उल्टी हुई है सोचकर हर बार उसे लेकर आप यहाँ आते हैं और पछताते हैं। यही तो सच्चाई है ठाकुर जी, ये बात नहीं है। आपके पीटने से उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं आया, आप मेरी इस बात को मानिए। ठीक है, मैं मानता हूँ डॉक्टर। दैट्स गुड। मेडिकली जो भी आधुनिक इलाज हमारे पास है वो आपके बेटे के लिए किया है, लेकिन उसे जो खून की उल्टी होती है उसका कारण क्या है ये हम लोग नहीं जान पाए। हमें खुद आश्चर्य हो रहा है, अगर आप और किसी अस्पताल में भी जाएंगे तो वहां भी आपको यही जवाब मिलेगा। दवाइयां लिख कर देता हूँ, वक्त वक्त पर खिलाते रहना। वैसे मुझे यकीन है कि वो अब उल्टी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप उसका ख्याल रखिए। ठीक है डॉक्टर। आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। जी अच्छा अच्छा, तो हम चलते हैं। चलते हैं। बाबू, उस दिन तेरी खून की उल्टी देखकर हम तो बहुत डर गए थे कि कहीं तुझे कुछ हो न जाए, लेकिन अब तुझे कुछ नहीं होगा। भैया तुम बिल्कुल अच्छे हो गए हो, अब हम लोग बहुत खुश है भैया। ए, उस दिन मैंने तेरे साथ लड़ाई की ना, उसके लिए माफ कर दे। कोई बात नहीं बाबू, कल हम सब एक साथ मिलकर स्कूल जाएंगे, ठीक है? ठीक है जाएंगे। ले इस पानी के साथ दवाई खा ले। ये दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गया माँ, कुछ नमकीन खाना बना कर दो ना माँ। चिंता मत कर बेटे, जरूर खिलाऊंगी, पर उससे पहले ये दवाई खा लेना। ठीक है माँ। बाबू, तुझे इस हालत में देखकर मेरे मन को कितना दुख हो रहा है पता है? दुखी मत होइए, अब हमारे बाबू को कुछ भी नहीं होगा। बेटे देख लिया, पिताजी तुझसे कितना प्यार करते हैं देखा? मेरी बात सुन, अब से तू उन दोस्तों के साथ मत घूमना, खूब पढ़ाई लिखाई करना, बस यही तेरे बाप की इच्छा है। ठीक है। आज तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो? पिताजी, आज स्कूल जाने पर भी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्यों बेटी? क्योंकि सारे टीचरों ने छुट्टी ले रखी है। छुट्टी ले ली है? तो कम से कम घर में तो पढ़ाई करोगे ना, टीचरों के चक्कर में तुम्हारी छुट्टी हो गई। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। देखो हंसते हुए सब कितने अच्छे लगे। अच्छा कमला सुनो, मैं काम करता हूँ, राइस मिल तक जाके आता हूँ, बाबू का ख्याल रखना। ठीक है, चलता हूँ बाबू। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अपने ही इस बेटे को तूने उस दिन जानवरों की तरह मारा था ना, अपने आप को बाप कहते हो? अरे बाप रे, ये क्या? सब लोग जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ, मैं जानता हूँ, तू अंदर जा। अरे बाहर निकल जल्दी। जल्दी से खाना दो ना माँ। ये ले, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, खा ले। ले पानी पी ले। और चाहिए? Thank you.
अच्छा है ना? बस माँ, थोड़ा सा और खा ले बेटा। नहीं माँ, नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस माँ। ठीक है, ये ले। माँ मुझे नींद आ रही है माँ, तुम्हारी गोद में सो जाऊँ माँ? अच्छा लेट जा, अच्छा लड़का कौन है? कुछ दिनों से ये इसी एरिया में घूम रहा है। कौन जाने किसकी औलाद है ये बेचारा, भरी जवानी में पागल हो गया है। कितने दुख की बात है ना। भैया जग्गू। हाँ क्या हुआ? आज से कुछ दिन पहले मैं भागलपुर गया हुआ था, वहाँ कुछ लोग इसे बहुत बुरी तरह मार पीट रहे थे और ये दौड़ता हुआ जा रहा था। बेचारा लंगड़ाते हुए दौड़ रहा था, जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो होटल की जूठन खाने लगा। ये बात है? तब तो ये भागलपुर के आसपास का ही होगा। ये तो मैं नहीं जानता भैया, लेकिन इसके बारे में दो लोग बात कर रहे थे कि इसका नाम बाबू है, किसी अमीर घर की औलाद है, लेकिन बचपन से ही इसे खून की उल्टियाँ होती थी। क्या कहा, खून की उल्टी होती थी? हाँ भैया, बहुत इलाज करा के देखा, कोई फायदा नहीं हुआ, और इसका कारण उसके खानदान के ऊपर का श्राप है। श्राप है? हाँ भैया, वही कर्म, इसके दादा ने जो अधर्म किए उसने श्राप बनकर इसे पागल बनाकर छोड़ दिया। क्यों है
का ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है, ये ऐसा क्यों है? इसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है? दुख है इसका ये ऐसा, तरस खाने जैसा, नहीं है कोई अपना, प्रेम सपने जैसा, दिल में दर्द इतना, खो गई है आशा, ये ऐसा क्यों है? इसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है? सब कभी अब कोई भी नहीं, ठुकराया सबने इसे, जग ने अपनाया नहीं। थे अपने सब कभी अब कोई भी नहीं, ठुकराया सबने इसे, जग ने अपनाया नहीं। सब है सब है अनजान यहाँ खुशियों को पाना है। कौन है वो जो इसको पहचाने, कौन है वो जो इसको पहचाने, ये ऐसा क्यों है? किसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है? जीवन खुशहाल था, माँ का दुलारा था, बचपन जो बीत गया मानो एक सपना था। जीवन खुशहाल था, माँ का दुलारा था, बचपन जो बीत गया मानो एक सपना था। जाएगा अब ये कहाँ, कौन इसका है यहाँ? जाएगा अब ये कहाँ, यहाँ कौन है वो जो इसको पहचाने, कौन है वो जो इसको पहचाने, ये ऐसा क्यों है? इसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है? दुख है इसका ये ऐसा, तरस खाने जैसा, दुख है इसका ये ऐसा, तरस खाने जैसा, नहीं है कोई अपना, प्रेम सपने जैसा, दिल में दर्द इतना, हो गई है आशा, ये ऐसा क्यों है? इसका ये शाप है, इसके ये कर्म है या इसके पाप है? चमत्कारी ईशु करेंगे चमत्कार, चमत्कारी ईशु करेंगे
चमत्कार चमत्कारी यीशु करेंगे आज उद्धार चमत्कारी यीशु करेंगे आज उद्धार रोग से चंगाई हमें यीशु ही देंगे प्रेत से छुटकारा हमें यीशु ही देंगे चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार रोग से चंगाई हमें यीशु ही देंगे प्रेत से छुटकारा हमें यीशु ही देंगे चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार रो मत तू बेटे मैं हूँ तेरे संग रो मत तू बेटे मैं हूँ तेरे संग रो मत तू बेटी मैं हूँ तेरे संग रो मत तू बेटी मैं हूँ तेरे संग चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार चमत्कारी यीशु करेंगे आजुधार चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार चमत्कारी यीशु करेंगे आजुधार सुनिए अरे सुनिए ना पता नहीं कौन इस वक्त दरवाजा खटखटा रहा है उठिए ना उठिए ना ए तूने जरूर कोई सपना देखा होगा जाके सो जा ऐसा नहीं है कोई दरवाजा खटखटा रहा है जाके देखिए ना देखिए ओफो सुनो फिर से कोई खटखटा रहा है चलिए देखिए ना उठिए अरे हाँ कौन होगा जल्दी चल के देखिए ना कौन है तू तू है कौन ये और तुझे क्या चाहिए सुनिए पता नहीं कौन है अंदर चलिए मैं कह रही हूं ना नहीं कौन है कोई पागल लगता है और तुझे किससे मिलना है क्या चाहिए तुझे अरे तू छोड़ना मुझे मैं पूछता हूँ पिताजी माँ तुम्हारा बेटा बाबू आया है हाँ क्या
हाँ जी ये सही कह रहे हैं, ये हमारा बेटा है बाबू। रुक, पागलों से बात मत कर, रुक जा, रुक जा। ये कोई पागल है, कुछ ना कुछ कर डालेगा। ओहो ऐसा मत बोलिए, 7 सालों बाद वो हमारा घर ढूंढ कर आया है। उसे गले लगाने के लिए मेरी ममता बेताब हो रही है। आप एक माँ की ममता को नहीं समझ रहे हैं। वो हमारा ही बेटा बाबू है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? छोड़िए, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है और वो इधर उधर भटक रहा है। जब लोग बोलते थे तो मेरा कितना अपमान होता था पता है, और उसके बाद ये न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैंने सोचा था किसी एक्सीडेंट में मर मुरा गया होगा। मेरे सामने से दूर हो जा, छोड़िए मुझे, जाना जाता क्यों नहीं यहाँ से, छोड़िए। हाँ उसे कुछ मत कहिए। ऐसे क्या देख रहा है तू, खुद जाता है या मार मार के भगा दूं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारे बेटे का चेहरा तो देखिए, उसकी आंखों में जो चमक है वो देखिए, वो शांति देखिए, जरूर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, इसीलिए वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। देखिए उसका चेहरा देखिए, कितना शांत दिखाई दे रहा है। भैया आओ, भैया आओ, क्या है? कबूतरों का दाना खत्म हो गया, जरा लाना। ठीक है अभी लाती हूँ। ये कौन है? पता नहीं कौन है। क्यों जी? क्या हुआ भानु? कल जब हम गाना गाकर यीशु मसीह की स्तुति कर रहे थे, तब पागलों की हालत में एक भाई आया था ना, उस भाई के जैसा ही ये भाई भी लग रहा है ना? हाँ भानु सही कहा, पागलों की हालत में कल जो तुम्हारे घर आया था, मैं हूँ बहू वही हूँ। क्या क्या कहा, तुम वही हो? हाँ माँ जी। एक दिन के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव, चेहरा देखो कितना शांत दिख रहा है। ये सब कैसे हुआ? एकदम आश्चर्य है। भैया तुम्हारे साथ क्या हुआ? सात सालों से पागल बनकर घूम रहा था, और इतने सालों तक मैं कहां कहां गया और मैंने क्या किया कुछ भी याद नहीं है। लेकिन कल जब मैं तुम्हारे घर आया था और यहाँ तुम लोग यीशु मसीह के गीत गा रहे थे, सिर्फ ये दो बातें ही मुझे अच्छी तरह याद हैं, और इसीलिए यीशु मसीह को जानने के लिए मैं यहाँ चला आया। यीशु मसीह के बारे में मुझे जानकारी दीजिए ना, बोलिए ना माँ जी। तुम लोग ऐसे आंसू क्यों बहा रहे हो? भैया चिंता के कारण आंसू नहीं निकल रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जो चमत्कार किया वो सोचकर खुशी के आंसू हैं। ये सच है भैया, भैया यीशु मसीह मनुष्य नहीं है,
वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वही ईश्वर हैं। स्वयं यीशु मसीह ने तुम्हें आकर अपने दर्शन दिए, तुम्हें पागलपन से छुटकारा दिलाया। तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो, और तुम्हारा चेहरा देखकर हम लोग कितने खुश हो रहे हैं पता है? भैया, इस दुनिया में यीशु मसीह ने न जाने कितने चमत्कार किए हैं। अंधों की आंखों की रोशनी लौटाई है, कुष्ठ रोगियों को चंगा किया है, मरे हुए एक युवक को उन्होंने वापस जिंदा किया है। ऐसे बहुत से चमत्कार किए हैं। हाँ भैया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को वो छुटकारा दिलाते हैं। पवित्र बाइबल में मरकुस में एक भक्त ने 5वें अध्याय में प्रेत चिपटे हुए एक मनुष्य के बारे में कहा है। उस मनुष्य को न जाने कितने ही बार बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा गया, लेकिन वो सब तोड़ देता था। रात दिन पहाड़ों के ऊपर और कब्रिस्तान में ही रहता था। एक दिन यीशु मसीह उसे मिले और दुष्ट आत्मा को जैसे ही कहा, इस मनुष्य को छोड़कर चली जा, वो तुरंत दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया। और उसके बाद मानो उसका नया जन्म हुआ। भूत चिपटने वाले उस मनुष्य के लिए चमत्कार करने वाले यीशु मसीह ने ही आज तुम्हारे लिए भी चमत्कार किया है भैया। हाँ भैया, अब तुम्हें देखने के बाद यीशु मसीह आज भी वैसे ही चमत्कार करते आ रहे हैं, ये बात हम जान गए हैं। यीशु मसीह आज भी जीवित है, ये बात हमारे विश्वास को दृढ़ बनाती है। सही कहा माँ जी, प्रेत आत्मा के चंगुल से मुझे छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। उनके बताए मार्ग पर चलना होगा, बस इतना ही। अपनी ही तरह दूसरों से प्रेम करो, अपना जीवन यीशु को समर्पित करना होगा, उनके लिए ही जीना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ही उन्होंने प्राण त्यागे। मेरे लिए प्राण त्यागे? क्यों, किस लिए? तुम्हारे पापों के लिए और तुम्हारे श्रापों के लिए। मैं समझा नहीं माँ जी। भैया, इस दुनिया में हम सब पापी हैं। हमारे अंदर से वो पाप निकल जाए, उसी के लिए यीशु मसीह ने कुंवारी की कोख से मनुष्य का जन्म लिया और क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू ही समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध बनाता है और पूरी जिंदगी वो चंगाई देता है। और इसीलिए तुम्हारे पापों के लिए, श्रापों के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे। भैया, केवल यीशु मसीह ही मनुष्य को उसके पापों से और श्रापों से, यहाँ तक कि बुरे कर्मों से भी छुटकारा दिलाते हैं। भानु। हाँ कहिए। जरा बाइबल लाना। ठीक है, अभी लाती हूँ। ये लीजिए। भैया, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली जितने भी वचन हैं, वो इस बाइबल में हैं। एक पवित्र जीवन के लिए सारी भलाई की बातें इसमें हैं। पढ़ के देखो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय बनेगा। ये लो भैया। हे यीशु। भैया। जी हाँ बोलिए। सबसे पहले तुम्हें बपतिस्मा लेना होगा। ये सही बोल रहे हैं। बपतिस्मा लेना होगा? ये बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा यानी पानी में नहाने से शरीर शुद्ध होता है, पाप में नहाने से मनुष्य दूषित होता है, और इसीलिए अधर्म को छोड़कर एक धर्मी बनने के लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि जैसे नहाने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही मन की गंदगी चली गई ये मानने के लिए नाक बंद करके पानी में डुबकी लगाना ही बपतिस्मा कहलाता है। सुनिए, सुनिए, 7 सालों बाद हमारा बच्चा घर लौट आया है, ये सोचकर मैं खुश हो रही थी। लेकिन सुबह उठकर देखा तो हमारा बच्चा नहीं है। पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन उसका कहीं पता नहीं। हमारे बच्चे भी भैया को देखना है, भैया को देखना है कहकर ढूंढ रहे हैं।
आपसे आकर बताया तो आप खामोश खड़े हैं। आसपास भी जाकर ढूंढ लिया लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। सब जगह जाकर सब लोगों से पूछ लिया लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं है। कम से कम आप तो हमारे बच्चे को जाके ढूंढ के लाइए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके बच्चे को ढूंढ के लाइए। पिताजी, भैया को आपसे हमारे पास ही रहने दो। हाँ पिताजी, भैया को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। पिताजी, भैया को ढूंढने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालिए ना। पिताजी, भैया को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। हाँ पिताजी। hey! उस पागल के बारे में अगर किसी ने भी कुछ कहा ना तो जान से मार डालूंगा। आप ऐसा मत कहिए, उसके चले जाने से मेरी ममता तड़पने लगी है, लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी। कुछ भी करके उसे कहीं से ढूंढने का इंतजाम कीजिए। क्या कहा, उसे ढूंढूं? कल ही मैंने उस पागल को मार के भगा दिया होता, लेकिन तू कह रही थी उसके साथ अच्छा हुआ और बड़ी भावुक हो रही थी, अब देख लिया वो फिर से भाग गया। ये तो अच्छा हुआ हमें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो हमें सोता हुआ देखकर हमें जान से मार डालता। अब वो अगर दोबारा इधर आया तो कुत्ते की तरह उसे मार के भगा दूंगा। चल जा। ये क्या कह रहे? अरे कहाँ ना, अंदर जा। तुम भी जाओ, उसकी बहुत तरफदारी कर रहे हो ना, मार डालूंगा तुमको, जाओ अंदर। बड़े आए तरफदारी करने, उसे ढूंढिए ना। है आने दो उसको, आज मैं देखता हूं। पिताजी। बाबू, भैया, 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 है बाबू, तू दोबारा यहाँ क्यों आया? सुनिए, ये जरूर कोई प्लान बना के आया है, इससे जरूर हमारा नुकसान होगा। आप ऐसा मत बोलिए, कम से कम बच्चे का चेहरा तो देखिए। पिताजी, उसका चेहरा कितना शांत है, जरा देखिए। पिताजी, अब मैं पागल बनकर नहीं आया हूँ, पवित्र बनकर आया हूँ। चलिए पिताजी, मेरे साथ जो चमत्कार हुआ बताता हूँ। हाँ माँ। आ जा बेटे बाबू, आ जा। भैया आओ, चलो भैया आ जाओ। मेरे साथ यही हुआ पिताजी। अच्छा, जब ईशु ने तुझे दर्शन दिए हैं तो तू साधारण इंसान नहीं है, तू अब ईशु की संतान है। तुझे आज अपना बेटा कहते हुए मुझे कितना गर्व हो रहा है पता है? तुम्हें अपना भाई कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। पिताजी, क्या है? मुझे बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा? वो कैसे? आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? यीशु ने स्वयं दर्शन देकर हमारे बेटे को चंगा किया है, उस उदार परमेश्वर के मार्ग पर अब हमारा बेटा चलना चाहता है, कृपा कर उस पर रुकावट न डाले। बाबू, तुझे बपतिस्मा दिलाने के लिए मैं इंतजाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद पिताजी। माँ, बड़े भैया, छोटी बहन, छोटा भाई, ये सब कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना? हाँ भैया, सिर्फ हम लोग ही बड़े हुए हैं, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही छोटे बच्चे की तरह हो। सुनिए, ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं? 7 साल हो गए, 7 साल के बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूँ। क्यों, आपका चेहरा भी तो पूरी तरह से मुस्कुरा रहा है। तुम सच कह रही हो।
कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। माँ क्या हुआ बेटे? बड़े भैया, बहन, छोटा भाई कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तेरे दोनों बड़े भैया कॉलेज गए हैं, छोटा और छोटी दोनों स्कूल गए हैं। वैसे तो वो तुझसे मिलकर ही जाने वाले थे, लेकिन तू प्रार्थना कर रहा था ना, उसमें बाधा पड़ेगी सोचकर चले गए। शाम को जल्दी आ जाएंगे, तेरे साथ खेलेंगे, ऐसा बोल के गए हैं। बाबू, गांव के सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे हैं पता है? पहले तुझे देखकर ये पागल है कहकर तेरा मजाक उड़ाने वाले, आज तुझे परमेश्वर की संतान बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे कारण हमारा परिवार गर्वान्वित हो गया है ना? अच्छा ठीक है, बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं जाके नाश्ता लगाती हूं। चल आ जा। माँ आज मेरा उपवास है, सुबह से शाम तक एकांत में प्रार्थना करनी है, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। चलता हूँ माँ, चलता हूँ पिताजी। ठीक है बेटे। पिता, यहाँ तुम आए थे ये मैं जान गया हूँ, मैं जान गया हूँ। उस दिन हम जैसे पापियों के लिए तुम पृथ्वी पे आए, और आज इस पापी के लिए मन में उदारता के साथ आए हो ना, तुम ही यहाँ आए हो ना। जिन पाँव में कीलें ठोकी गई, उन पाँव के मुझे तुमने दर्शन पाने का सौभाग्य दिया, दर्शन दिए। यीशु पिता, मेरे ये पाप से सने हाथ तुम्हारे पवित्र पाँव के ऊपर पड़े, उसके लिए मैंने कौन सा भला कार्य किया। यीशु पिता, स्तुति हो तुम्हारी, स्तुति हो पिता। प्रेत आत्मा ने मुझे पागल बना रखा था, इस पापी के ऊपर तुम्हें तरस आया मेरे परमेश्वर। मेरे मन के अंदर जो बुरा पाप भरा हुआ था उसे तुमने निकाल दिया, पापियों का उद्धार करने वाले उद्धार करता। हे यीशु राजा, मैं पूरे जीवन भर तुम्हें कभी ना भूलूं, वैसा हृदय मुझे दो, वैसा हृदय मुझे प्रदान करो यीशु पिता। भैया तुम आते ही एक महीने से यहाँ की देखभाल बहुत अच्छी कर रहे हो, अपने पिताजी की मदद कर रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही एक और मिल खुल जाएगी। अच्छा भैया, पिताजी से कहना मैं आया था, एक 10 बोरी चावल मेरी दुकान पे भिजवा देना। जी अच्छा, अच्छा मैं चलता हूँ। जी ठीक है। नमस्ते भैया। अच्छा भैया। बाबू क्या हो गया, काम पसंद आया ना? क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबू तुम्हें कुछ भी करके धोखा देकर तुमसे थोड़े से पैसे ऐंठने का सोचा, प्लान भी बनाया, और उस दिन मैं आया, लेकिन
तुम्हारा ये उदार चेहरा देखकर और तुम्हारी मीठी बातें सुनकर अब मेहनत करके खाऊंगा, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। ऐसा मुझ में बदलाव आ गया, तुम्हारे अंदर ईश्वर है ये मुझे मालूम हो गया। मुझे कोई काम चाहिए कहा, तुमने मुझे मुनीम का काम दिया, मैं उसमें बहुत खुश हूं। भैया, तुम्हें देखकर मुझे संतुष्टि हो रही है। यीशु मसीह तुम्हें और भी आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। मैं घर से खाना लेकर आया हूँ, ये लो गरम। मुझे थोड़ा काम है वो खत्म करके, ठीक है? मैं भी खा के आता हूँ। मेरे बेटे, ये संसार मेरे बारे में जाने, उसके लिए मैंने तुझे चुना है। क्रूस पर जो मैंने कोड़े खाए वो तेरे लिए ही। इस संसार में प्रेत आत्माओं ने जिन्हें जकड़ रखा है उनके पास जाकर उन्हें जब पाप से घिरे हुए देखता हूँ तो तरस आता है। इसीलिए क्रूस पर मैंने लहू बहाया। यीशु मसीह ही तुम्हारा उद्धारक है, केवल वही मुक्ति दिला सकता है। ये संदेश हर मनुष्य तक पहुंचाने के लिए तुम्हें जाना होगा, मेरा सुसमाचार प्रचार करना होगा। जिनका हृदय टूट चुका है वे स्वस्थ हो जाएंगे, प्रेत आत्माओं के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, पाप के बंधनों से जो लोग बंधे हुए हैं वे सचमुच स्वतंत्रता पाएंगे। रोजाना मेरे विषय में बोलकर गाकर मेरी स्तुति करना। क्या हुआ माँ? माँ मत रो। बाबू, दोबारा तुझसे बिछड़ कर मैं भला कैसे रह पाऊंगी? माँ, मैंने तुम लोगों से सब कुछ बता दिया है। मैं तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगा। प्रभु यीशु के जो मैंने दर्शन किए और उनके दिए पवित्र वचनों का अब मुझे आदर करना है। माँ, प्रेत आत्मा ने मुझे पागल बना रखा था, ऐसे में प्रभु यीशु ने पता है दर्शन क्यों दिए? ताकि मैं उनका सेवक बनकर, उनकी गवाही बनकर उनकी महिमा करूं। माँ, मैं इस वक्त पाप में गिरने नहीं जा रहा हूं, लेकिन पाप में जो गिरे हैं उन हर एक मनुष्य को प्रभु का सुसमाचार प्रचार करके उन्हें पाप के बंधन से छुड़ाना है। माँ, तुम ममता के कारण ऐसा बोल रही हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पाप के मार्ग से जो लौट नहीं पा रहे हैं और दुखी जीवन जी रहे हैं, ऐसी कितनी माताएं हैं, कितने ही पिता हैं, कितने ही भाई हैं, बहन हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाकर प्रभु के मार्ग पर वापस लाना है, यीशु के प्रेम के बारे में बोलकर मन फिराना है। हाँ माँ, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना अब से मेरा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को निभाने के लिए जा बेटे बोलकर खुशी खुशी मुझे भेजो माँ। हाँ कमला, बाबू को खुशी खुशी भेजो। माँ जी, दूसरों को धोखा देकर मैं गुजारा किया करता था, लेकिन बाबू ने मुझे बदल दिया। मेरे जैसे और ना जाने कितने लोग हैं, उन्हें भी बाबू को बदलना है।
इसलिए हंसते हुए उसे जाने की आज्ञा दो। हाँ माँ, बोलिए ना माँ। माँ बोलिए ना माँ। हाँ बोल दीजिए ना। हाँ माँ, जल्दी से बोलिए ना। बोलिए ना माँ। बेटे, अपने पूरे मन से बोल रही हूँ, प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए खुशी खुशी जा। बहुत अच्छा लगा माँ, अब खुशी से जाऊंगा। यीशु मसीह हम सबको आशीर्वाद देंगे। चलता हूँ माँ, चलता हूँ।